गुजरात के कई शहर जिलों में बाढ़ से स्थिति खस्ताहाल हो गई है और लाखों लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। गुजरात के कच्छ में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश से ग्रामीण इलाकों में भारी जलभराव हो गया है, जिससे कई ग्रामीणों को प्रशासन द्वारा स्थानांतरित कर अलग अलग जगह पर आसरा दिया गया है। भारी बारिश के चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ है, वहीं सड़कें भी उधड़ गई हैं। कई लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। कच्छ में कल भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, जिससे प्रशासन अलर्ट पर है। कल शाम से लगभग 7 बजे से सुबह के 12 बजे तक अंदाजा मेरे ख्याल से 12 इंच जैसी लगातार बारिश होने की वजह से कच्छ के अबड़ासा के कोठारा गांव के आसपास के जितने गांव हैं उनमें लोगों का जो निचले हिस्से में जो लोग रह रहे हैं उनका थोड़ा बुरा हाल हो गया है। और आज यहाँ जो सेवा की संस्था हैं और यहाँ का वहीवटी तंत्र है, सभी साथ मिलकर जो निचले हिस्से के जो हैं लोग उनको निकाल के हम एक सेफ जगह पे ले जा रहे हैं। गुजरात के भरूच जिला के जंबूसर के उबेर गांव के भाथा इलाके में भारी बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि पानी में डूबकर 100 से ज्यादा पशुओं की मौत हो गई है। भरवाड़ समाज के 30 जितने परिवार के पशुओं की मौत से इन परिवारों पर आसमान टूट पड़ा है। मरने वाले पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में पशुओं की मौत से पशुपालकों पर आसमान टूट पड़ा है। गुजरात के भावनगर जिले के पालीताणा में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। गुजरात में इन दिनों मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी है, जिसके तहत भावनगर के पालीताणा में भी तेज हवाओं के साथ भारी बरसात हो रही है, जिससे लोगों में भी दहशत देखने मिल रही है।